नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर के असाइनमेंट के बारे में। तो एसओएल के असाइनमेंट्स हैं, तो अगर आप लोग सेकंड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो इसके ऊपर हम लोग असाइनमेंट बनाने वाले हैं। मैं इसका कोड आपको बता देता हूँ, कोड नंबर है इसका 6232-1201। तो इसका नाम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, तो उसका असाइनमेंट की बात करेंगे। और आपको बता देता हूँ, उससे पहले भी मैं ऑलरेडी इसके इंग्लिश मीडियम के वर्जन की असाइनमेंट बना चुका हूँ, तो ये वीडियो हिंदी मीडियम में के असाइनमेंट की होगी। और इससे पहले बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर के भी सारे असाइनमेंट्स में अपलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बीए प्रोग्राम के हिंदी मीडियम के असाइनमेंट की। तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, कोई भी दो कर दें। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब मौलिक अधिकारों और राज्यों के नीति निर्देश सिद्धांतों के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिए। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं और नीति निर्देश क्या होते हैं, दोनों आपको पता होने चाहिए। तो उसकी शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम परिचय करेंगे इसका कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो परिचय के अंदर हम लोग मौलिक अधिकार बताएंगे और उसके साथ साथ जो 6 मौलिक अधिकार होते हैं हमारे संविधान के अंदर दे रखे हैं उसको भी परिचय के अंदर लिखेंगे हम इन शॉर्ट। उसके बाद बात करेंगे मौलिक अधिकारों की विशेषताओं की, कि इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनके फीचर्स क्या हैं, तो उनकी विशेषताएं भी हम लोग बताएंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको पॉलिटिकल साइंस की बहुत सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो उसकी विशेषताओं की हम लोग बात करेंगे। और इसकी विशेषताओं को बताने के बाद हम लोग बात करेंगे अब सभी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सभी जो मौलिक अधिकार हैं उनको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो एक एक करके 6 फंडामेंटल राइट्स को हम डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी को हम लोग लिखेंगे डिटेल में, कि राइट टू इक्वालिटी क्या होती है। इसके भी दो पार्ट होते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, जिसके तहत सभी लोगों को समान नज़रों से देखा जाता है, कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं और अगर कोई भी कानून का उल्लंघन करता है तो उसको बराबर सज़ा मिलती है। इसके बाद बात करेंगे राइट टू फ्रीडम, तो सेकंड है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी ज़रूरी है। इसके अंदर आपको 6 इम्पॉर्टेंट फ्रीडम मिल रखे हैं, 6 इम्पॉर्टेंट राइट्स मिल रखे हैं, उन 6 के 6 को हम लिखेंगे इसके अंदर। और इसको बताने के बाद तीसरे आर्टिकल का नंबर आता है, तीसरा आर्टिकल है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो प्रताड़ना के खिलाफ अधिकार, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आर्टिकल 23 धारा 23 जो है हमारा, वो किसी भी तरीके की फोर्स लेबर को, चाइल्ड लेबर को, ह्यूमन बैगरी को, उन सभी चीज़ों को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को अवॉइड करता है। इसके बाद बात करेंगे अगले राइट की, तो अगला अधिकार है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये भी ज़रूरी है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें सभी धर्मों को बराबर माना जाता है, सभी इंसान पूरी तरीके से आज़ाद हैं, वो कोई भी धर्म किसी भी तरीके का अपना सकते हैं, उनके ऊपर कोई भी दबाव या पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा बात करेंगे अगले राइट की, तो वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो ये भी ज़रूरी है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसके अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके उनका जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, उसका पूरा अधिकार दिया जाता है, उसके हिसाब से वो रह सकते हैं, अपने कल्चर के को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये 5वां राइट है हमारा। इसके बाद बात करेंगे आखिरी राइट की, इसके तो 6ठा फंडामेंटल जो मौलिक अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको हर्ट एंड सोल बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट, कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो इस अधिकार के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो ये 6 आपके इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हो गए, इन 6 को डिटेल में हम बताएंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नीति निर्देश की, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, तो नीति निर्देश क्या होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, इनके बारे में हम लिखेंगे। सबसे पहले उसकी पृष्ठभूमि लिखेंगे, इसका बैकग्राउंड लिखेंगे कि नीति निर्देश की शुरुआत कहाँ से हुई, जो कि नीति निर्देश हमारे संविधान के 4th पार्ट में मेंशन हो रखे हैं, और जबकि फंडामेंटल राइट 3rd पार्ट में मेंशन है। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित निर्देश, तो क्योंकि हमारे जो जितने भी नीति निर्देश हैं वो सोशल वेलफेयर पे बेस्ड हैं, तो ये भी हम लोग लिखेंगे। अलग अलग आर्टिकल्स हैं जो कि सोशल वेलफेयर को शो करते हैं। और आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं, जिससे कि आपको मेरी सारी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेगी। और आपको मेरे चैनल पर क्लास 11th 12th
ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे आप SOL के स्टूडेंट हैं या फिर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं, आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली पॉलिटिकल साइंस की बहुत सारी वीडियोस और उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो इसके अलावा आप लोग करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं, मैं वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स भी अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे। तो आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो भी आपके लिए चैनल काफ़ी फ्रूटफुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसको बताने के बाद हम लोग आगे बात करेंगे। अब हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी समझा चुके हैं और फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार भी समझा चुके हैं। अब हम बात करेंगे इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, जो जैसा कि हमारा क्वेश्चन है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशों के बीच में संबंध, तो इनके रिलेशंस को हम लोग लिखेंगे। और आपको मोटे तौर पर बता देता हूँ, इनके बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस, सबसे बड़ा रिलेशन यही है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं अगर वो उल्लंघन होता है उनको, तो आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। लेकिन अगर नीति निर्देशों का उल्लंघन होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का वॉयलेशन होता है किसी भी केस में, तो आप कोर्ट में जाकर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा सकते। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा अगर आप लोग और ज़्यादा जानना चाहते हैं इनके बारे में, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, तो आप मेरे ग्रेजुएशन की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बना रखी है जिसमें हर एक ईच एंड एवरी आर्टिकल समझा रखा है फंडामेंटल राइट का, तो आप उसको जाके ज़रूर देख सकते हैं, आपको ग्रेजुएशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की। तो इसका अगला क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन उनका क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, डिस्कस द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो भारतीय संविधान कैसे बना इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले भारतीय संविधान को, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि कैसे 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो नेता थे, उन्होंने संविधान के अंदर इस चीज़ को, संविधान को बनाने की इम्पोर्टेंस को दिखाया। तो काफ़ी पुराना टाइम से, आज़ादी से काफ़ी पहले से इसका कंसेप्ट चलता हुआ, इसका बैकग्राउंड हम लोग लिखेंगे। और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इसकी पृष्ठभूमि था। तो उसका बैकग्राउंड को बताने के बाद हम लोग बात करेंगे आगे इसके संविधान सभा की। संविधान सभा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप असाइनमेंट में डालोगे तो इसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपके एग्जामिनर पे। तो संविधान सभा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसने हमारी देश के संविधान को बनाया, तो संविधान सभा के बारे में आप लोग लिखो कि कैसे संविधान सभा की शुरुआत हुई, कैसे ये बना और संविधान सभा में कौन कौन से मेंबर्स थे, ये इम्पोर्टेंट है। इतना करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे मेन टॉपिक की, भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो उसकी विशेषताओं की अगर बात की, सबसे पहली विशेषता है विश्व का सबसे लंबा संविधान भारतीय संविधान है। तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लेंथीएस्ट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, तो इसकी सबसे पहली खूबी है। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी दूसरी विशेषता की, तो दूसरा है संविधान के स्रोत। हम लोग अक्सर बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान जो है वो एक तरीके से उधार का संविधान क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने संविधान को बनाते वक्त अलग अलग देशों के संविधानों को पढ़ा और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे उसको अपने संविधान के अंदर डाला, तो ये इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता की बात करें तो एकात्मक विशेषताओं वाली संघीय व्यवस्था, इसका मतलब है भारतीय जो संविधान है उसके अंदर यूनिटरी सिस्टम भी है और फेडरल सिस्टम भी है। संघीय ढांचा कैसे है कि आपको पता ही कि भारत के अंदर पावर्स तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो स्थानीय सरकार लोकल गवर्नमेंट होती है। और इसके अलावा यूनिटरी सिस्टम कैसे है, यूनिटरी सिस्टम ऐसे, हालांकि पावर्स तो तीन पार्ट में डिवाइड हैं लेकिन जो ज़्यादा पावर्स हैं वो केंद्र सरकार के हाथ में है, वो इसलिए ताकि पूरे संघ को, पूरे देश को मजबूत करके रखा जा सके। तो इसके दूसरी तीसरी विशेषता है। आगे बात करते हैं इसके चौथी विशेषता की, तो सरकार का संसदीय स्वरूप, इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो भारत के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसद की ही सरकार चलती है भारत के अंदर, और इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो पूरी बना रखी है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या फ़र्क होता है, तो उसकी वीडियो भी आपको ग्रेजुएशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने सारी चीज़ें समझा रखी हैं। अब बात करेंगे इसकी पांचवी विशेषता की, तो उसकी पांचवी विशेषता है संसद की संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच संतुलन। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारा संविधान इस तरीके से बना हुआ है जिसमें हमारे संसद की गरिमा भी बनी रहती है, उसकी संप्रभुता भी बनी रहती है और साथ साथ जो हमारी न्यायपालिका है उसकी सर्वोच्चता भी बनी रहती है। तो इन दोनों के बीच में बहुत ही डिस्टिंक्ट, बहुत ही क्लियर लाइन बना रखी है ताकि इनकी पावर्स आपस में मिसमैच ना हो। छठी इसकी विशेषता है स्वतंत्र और एकीकृत न्याय प्रणाली। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, जो न्यायपालिका है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर या भय के, बिना किसी पक्षपात के फैसले करती है, और इसी को बोला गया है स्वतंत्र और एकीकृत न्याय प्रणाली।
और इसके अलावा आप इंडियन कोर्ट भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। इतना करने के बाद हम लोग बात करेंगे इसके अगले फीचर की, तो इसका सातवां फीचर है इसका राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। तो जो कि अभी अभी हमने देखा है, अभी हमने पढ़ाया पिछले ही क्वेश्चन में कि नीति निर्देश के सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज कैसे काम करती हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। आप इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस की बहुत सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, और चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, जिससे मैं जो भी न्यू वीडियो डालूं आप उससे अपडेट होते रहें। अब बात करते हैं इसके अगले फीचर की, तो अगला सिद्धांत है इसका आठवां सिद्धांत, कठोरता और लचीलेपन का संयोजन। तो ये कैसे है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कठोरता और लचीलेपन दोनों चीज़ें भारतीय संविधान के अंदर, फ्लेक्सिबल और रिजिड। फ्लेक्सिबल ऐसे कि भारतीय संविधान के ज़्यादातर प्रावधानों को बदलना आसान होता है, सिंपल मेजॉरिटी से ही इसको बदल सकते हैं, लेकिन कठोर रिजिड ऐसे है क्योंकि भारत के सभी प्रोविजन को आप आसानी से नहीं बदल सकते। कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिनको बदलने के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी, दो तिहाई बहुमत की ज़रूरत होती है, तो ये एक मुश्किल प्रोसेस है संविधान को बदलने का, तो इसलिए बोला गया कठोर और लचीलापन इसको। अब आखिरी में इसके ओवरव्यू की बात कर लेंगे हम लोग, इसका ओवरव्यू भी बताना ज़रूरी है। तो ये पूरी वीडियो हमारी BA प्रोग्राम हिंदी मीडियम असाइनमेंट के ऊपर, तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और क्लासमेट के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि सभी लोग अपना असाइनमेंट टाइमली कंप्लीट कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।